हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी टेक्निकल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी ऑन बैंक निफ्टी। फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ इस बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज के। ये स्ट्रेटजी ऐसे ही है कि आप इसमें सबसे जल्दी और एक्यूरेटली पैसा कमा सकते हैं। इसका नॉर्मल जो रिजल्ट रहता है वो आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाएगा। मतलब आपको 3 से 4 कैंडल में 5 मिनट में आपको टारगेट आपका आ जाएगा। दूसरा फीचर इसका ये है कि आपको 15 से ही 20 मिनट में सबसे छोटा स्टॉप लॉस इस पे मिल जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस में भी अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स, मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज 20 पॉइंट्स मैक्सिमम स्टॉप लॉस। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस मीन्स एक आप बोल सकते हो कि जैसे 100 20 30 में से एक एक केस आ गया, तो उसमें आपको 30 से 35 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। अदरवाइज आपको सेम स्टॉप 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिल सकता है। ठीक है सर, तो हम इसमें चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कैसे ये हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कैंडल कैटेगरी, मीन्स आई विल शो यू दिस इज कैंडल कैटेगरी 1, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इस स्ट्रेटजी से ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ पैसे दे सकती है तो वो मेरे सामने नहीं है। एक्चुअली मुझे काम करते हुए मार्केट में 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इस स्ट्रेटजी को, मैं कहता हूँ मुझ पे मत विश्वास कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए इस स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से। अगर बढ़िया रिजल्ट देती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। बट आप एक बार देखिए ज़रूर इसे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर प्लस डाटा चाहिए जो आपका चलता हो। अभी हमारे सामने 3 तरह की कैंडल है। अभी मेन चीज़ मार्केट में क्या रहती है, मार्केट में लोगों को कैंडल का तो पता है लेकिन उसकी साइकोलॉजी का नहीं पता। हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी। जैसे ये फर्स्ट कैंडल की बात करते हैं हम, तो जो फर्स्ट कैंडल है इसके पीछे साइकोलॉजी है कि ये जहाँ से खुली ओपन टू लो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कैंडल्स की नॉलेज है तो उसके आगे मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कैंडल की नॉलेज नहीं है तो वो हमें क्वेरी के थ्रू डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक है nifty technical.in। इसमें आप बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नीचे बॉक्स दिख जाएगा, कोर्सेज में आप डाल सकते हैं नॉर्मल टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट पे अपना नाम डाल के, नंबर डाल के हमें भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो हम आते हैं अभी स्ट्रेटजी पे। इसमें साइकोलॉजी ये रहती है कि जहाँ से प्राइस खुला वहीं से भागेगा। मतलब ऑपरेटर ने यहाँ से लिया, यहीं से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। मतलब जहाँ पे मार्केट खुली वहीं से भागे। इसका मतलब ऑपरेटर जो मार्केट में मूवमेंट दे रहा है वो क्या करेगा, जहाँ पे मार्केट खुली 9:15 पे वहीं से बाय करेगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। सेकेंड कैंडल कैटेगरी ये रहती है कि ऑपरेटर शुरू में कन्फ्यूज है। इतना टाइम ऑपरेटर कन्फ्यूज है, लेकिन किस लिए कन्फ्यूज है, अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक मार्केट को 10 से 15 सेकंड सेटल होने देता है, उसके बाद वो अपना एक्शन शुरू करता है। तो वो जैसे ही वो निफ्टी की चाल देखता है तो वो जैसे ही यहाँ से आता है तो 5 मिनट तक वो बाइंग ही बाइंग करता रहता है और बिल्कुल एंड टाइम पे टॉप पे जाके बंद हो जाती है। ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल। थर्ड वन इज बकवास कैंडल, इसे हम बकवास कैंडल बोल सकते हैं। ऊपर भी टेल नीचे भी टेल, इसे हम बकवास कैंडल बोल सकते हैं। मींस ना तो बायर क्लियर है और ना ही सेलर क्लियर है। तो इसमें ना हम बाइंग करेंगे ना हम सेलिंग करेंगे, हम सिर्फ कैंडल कैटेगरी नंबर 1 एंड कैंडल कैटेगरी नंबर 2 पे काम करने वाले हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ और चीज देखेंगे इसी के लिए। फर्स्ट थिंग हमारी पूरी हो गई है। सेकेंड थिंग हमारे पास है रेंज। अब आप में से कईयों को रेंज का पता नहीं होगा इसलिए मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। पिछले दिन मार्केट जितनी जैसे जैसे चली है, जौन सी रेंज में काम की है उसे हम बोलते हैं रेंज।
यहाँ पे आके मार्केट बंद हो गई पिछले दिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 3:15 पे यहाँ पे बंद हो गई। तो हम अगले दिन देखेंगे जो 9:15 की कैंडल है वो हमें कैंडल कैटेगरी नंबर 1 या फिर कैंडल कैटेगरी नंबर 2 चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे चाहिए? हमें चाहिए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑफ वाई डे, मतलब कैंडल नीचे शुरू होगी और रेंज के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें मस्ट है कि जो कैंडल की बॉडी है वो कम से कम 80% होनी चाहिए, कम से कम बॉडी 80% होनी चाहिए, कम से कम बॉडी 80% होनी चाहिए। मैं ध्यान से एक और बार बोलता हूँ, कम से कम बॉडी 80% होनी चाहिए। मीन्स जितनी भी कैंडल है, जैसे ये कैंडल है तो हम इसके आगे बोलते हैं कि ये इसकी टेल इससे ज़्यादा मत हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 80% बॉडी हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं उस पे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम देखते हैं वाइडे हाई, ये वाइडे हाई बोलते हैं हम इसे, ये वाइडे हाई। अभी यहां से प्राइस 9:15 की कैंडल लगाओ, ऐसे बनी, और यहां पे ये डाल दिया। वो जस्ट होल्ड ऑन, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला, ये फर्स्ट कैंडल हमारी है 9:15 की, 9:15 की कैंडल। मैं लिख देता हूँ इसमें 9:15, 9:15 हमें इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। अभी हाई का मतलब क्या है? इसका जो भी कैंडल का हाई रहेगा उसके प्लस 4 पॉइंट्स फॉर बफर। मतलब अगर आपकी हाई है 2, 4, 6, 6, 3, तो इसमें आप 4 पॉइंट प्लस करेंगे, 2, 4, 6, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 7, 4 पॉइंट के ऊपर आप एंट्री लेंगे। जो कैंडल आपको एंट्री देगी उसी का लॉ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल आपको एंट्री देगी उसी का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा ये, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम होने वाला है। अभी हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे थोड़ी सी, जितनी रहेगी फिर उसके बाद हम देख लीजिए एक बार। हाई के ऊपर एंट्री रहेगी, नेक्स्ट कैंडल का लो, जिस कैंडल ने आपको एंट्री दी उसी का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। अभी हम देखते हैं थोड़ा बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजी को। आप मेरे पे विश्वास मत करो, आपको नहीं विश्वास तो आप जाके बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे इधर, यहाँ पे कहीं पे नहीं है बैक टेस्टिंग, हम सिर्फ अभी बाय की बात कर रहे हैं। चलिए ये रहा पहला बैक टेस्ट। अभी वाइडे हाई पे मतलब प्रीवियस डे के हाई पे लाइन लगा दी हमने। मैं ये आपका चार्ट स्क्रॉल वो हटा देता हूँ, पीरियड सेपरेटर, ताकि आपको ध्यान से दिखे। ये देखिए यहाँ पे ये वाइडे हाई है इधर इस कैंडल पे, तो हमें जाना है जिस कैंडल ने हमें वाइडे हाई तोड़ा, फर्स्ट कैंडल ने, उसके ऊपर। अभी हम शो कर लेंगे इसे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसका हाई आपको दिखेगा, जस्ट होल्ड, इसका हाई देखिए क्या है। इसका हाई है जो 660.95, 660.95 कहाँ से दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप में भी आप MT4 यूज़र ना हो तो आपको यहाँ पे इसका हाई दिखेगा, इस एरिया में आपको हाई दिखेगा, इस एरिया में आपको लो दिखेगा।
देखिए हाई, देखिए हाई है 660.95, 660.95, 660.95 के ऊपर एंट्री है। और स्टॉप लॉस देखिए क्या रहेगा, 660 का ही स्टॉप लॉस, मतलब 4 पॉइंट नीचे बफर लगाना ही पड़ेगा आपको, एंट्री पे भी स्टॉप लॉस पे भी, दोनों जगह आपको बफर यूज़ करना है 4 पॉइंट का। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 8 पॉइंट का रहेगा, 8 पॉइंट मतलब 8 × 40, आपका 320 रुपये का बफर बफर रहेगा, तो सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 80 पॉइंट, 660 प्लस 80 पॉइंट 740। लेट्स चेक कब टारगेट आता है, चेक कीजिए हाई, अभी हम देखते हैं। टू जीरो सेवन फोर जीरो टारगेट डन, हेयर यू हैव द टारगेट, मतलब जिस कैंडल ने एंट्री दी उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने आपको टारगेट दे दिया। और बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, आपको कोई ज़्यादा देर नहीं बैठना है इसके ऊपर, थोड़ा टाइम बैठेंगे तो भी चल जाएगा। अभी हम चलते हैं आगे बैक टेस्टिंग के लिए ही। ये देखिए, ये हम इसे बोल सकते हैं ये वाइडे हाई था लेकिन उसने हाई नहीं तोड़ा। आइए आगे चलते हैं हम। अभी ये देखिए इधर क्या है, इधर इसने वाइडे हाई तो तोड़ा, वाइडे मतलब यस्टरडे, वाइडे हाई तो तोड़ा इसने, लेकिन उसने कैंडल कैटेगरी हमें नहीं दी अच्छी, उसके बाद वो नहीं गया ऊपर। ये देखिए अनयूजुअल गैप अप था ये, इसे हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वाइडे हाई लगाया लेकिन इसने हाई के ऊपर तोड़ा ही नहीं। दूसरी चीज़, इसकी जो कैंडल है वो 50% प्लस की कैंडल है, तो हम इस पर ट्रेड भी नहीं करने वाले थे अगर आ भी जाता तो। चल रहे हैं हम आगे, जा रहे हैं 20th मार्च पे पहुंच चुके हैं, अभी तक 20th मार्च पे पहुंच चुके हैं, 20th मार्च पे पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए ये वाइड है हाई, इसके ऊपर स्टॉप, इसके ऊपर एंट्री हमारी। देखिए हाई क्या है, आपको दिख जाएगा, देख हाई आपको यहाँ दिखेगा, लो आपको यहाँ दिखेगा, चेक कीजिए हाई क्या है, 290, 290, 290 के ऊपर 80 पॉइंट, 370, 370, 21370 आपका टारगेट आ गया। ठीक है, आपका टारगेट इधर आ चुका है, हम इधर हटा देंगे इसे। यहाँ पे आगे आए हम वाइडे हाई, अभी ये देखिए इसका हाई क्या है, आपको शायद इधर कन्फ्यूजन हो रही होगी क्लोज और हाई में। इसका हाई देखिए वाइडे हाई का, वाइडे हाई है आपका 432.60, 422.60 पैसे। इसका क्लोज देखिए कहाँ पे है, 424, मतलब हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, हम हाई के ऊपर जा सकते हैं। इसका जो हाई है वो है 433.95, पहली कैंडल का जो हाई है वो है 433.95, 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 437.95 पे एंट्री है। सॉरी, 437 के ऊपर 60 पॉइंट लगाएंगे तो हमारा बनेगा, सॉरी 80 पॉइंट लगाएंगे तो हमारा बनेगा 517, और 517 नहीं आया अभी, 517 आ चुका। देखिए हाई चेक कीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, 21517, 21517 देखिए हाई चेक कीजिए इसका, 55, 21517 पे हमारा एग्जिट हो चुका है। 33 पे ही था वैसे, 13 हमारा हाई था, अगर आप 100 पॉइंट भी लेते वहाँ से वो भी आ जाता है। इसमें एक्चुअली दो गेम है, इसमें एक 100 पॉइंट का ट्रेड रहता है, एक 80 पॉइंट का ट्रेड रहता है, लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत कम मिलेगा, बहुत कम स्टॉप लॉस मिलने वाले इस ट्रेड में आपको। आइए हम अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको लग सकता है कि ब्रेकआउट हो गया शायद, ये इसका वाइडे ये है, पिछला दिन का हाई ये है लेकिन उसने अगले कैंडल ने तोड़ा ही नहीं। आगे चलते हैं हम, ये सिर्फ आपने बाइंग के लिए यूज़ करता है। ये देखिए ये आपको इधर मिल जाएगा, ये आपका पिछले दिन का हाई,
उसके हाई देखिए, आज का हाई आज की पहली कैंडल का 780, नेक्स्ट कैंडल का लो देखिए 780.45, 4 पॉइंट का बफर लगाएंगे, आपको सिर्फ 4 पॉइंट का ही लॉस रहेगा, अगर रहेगा भी तो 160 160 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 3200 रुपये का टारगेट रहेगा आपका। 3200 डिवाइड बाय 160, हम देखें ज़रा इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड 21:20, 1 रुपये के बदले में 20 रुपये आपको मिल रहे हैं। इधर टारगेट मेरे को लग ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा सामने, चलिए फिर भी हम कर लेते हैं एक बार, 780 860 21860 आपका टारगेट डन। थर्ड कैंडल में आपका टारगेट आ चुका है। एक्चुअली इसमें टारगेट बहुत जल्दी आ जाता है। चलते हैं हम आगे इसके, आप खुद स्ट्रेटजी एक बार यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मे भी हमारा स्टॉप लॉस हो गया हमें लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। फर्स्ट कैंडल ने पिछले दिन का हाई देखिए, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। आगे चलते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे वाई डे के तो ऊपर है, लेकिन हमारी कैंडल कैटेगरी अच्छी नहीं है। इधर ये देखिए, ऊपर भी पूछ नीचे भी पूछ, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ, ऊपर भी पूछ नीचे भी पूछ फर्स्ट कैंडल के, तो ये कन्फ्यूजिंग कैंडल है, इसे हम छोड़ सकते हैं बकवास कैंडल बोल के। ऐसा नहीं है इसने नहीं दिया होगा, इसका हाई देखिए 0081 और आपका 22161, 22161 173 हाई देखिए ज़रा इस कैंडल का 22173 हाई है। टारगेट तो इसमें भी आया, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं करते क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, इसकी 15 से 20% एक्यूरेसी गिर जाएगी कम से कम इसकी, इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करते। यहाँ देखिए हाई देखिए क्या रहेगा इसका, 430, 430 प्लस 80 पॉइंट, हाई देखिए इसका 485, 65 पॉइंट्स, सॉरी 55 पॉइंट्स, 55 पॉइंट्स पे हमें नहीं मिला और हमारा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस आपका 406 है और 406 30, 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस को जितना रोक सके वो अच्छा रहता है, एटलीस्ट आप जहाँ तक रोक सके। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ही आप रोक सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है रोकने को, आप खुद मार्केट नहीं चला सकते, आप सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं है आगे हमारा, यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये ब्रेकआउट आया है, ये वाई डे हाई पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का हाई और नेक्स्ट कैंडल देखिए ऊपर भी पूछ नीचे भी पूछ, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करने वाले, ये बकवास कैंडल है। अभी पिछले पे ट्रेड करा हमारा वो टारगेट आया, इस पे ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो रादर देन ट्रेडिंग के हम ये गलत ट्रेड करेंगे ही नहीं, चाहे वो लॉस दे चाहे कुछ भी दे, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है हमारा, इस दिन भी कुछ नहीं चला हमारा, ये मंथली आपको 2 से 3 ट्रेड मिलने वाले हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 500 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 1000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ये अगेन वही ट्रेड आया लेकिन बेकार ट्रेड, यहाँ पे आपको हाई के ऊपर आया लेकिन वो कैंडल कैटेगरी बेकार, कुछ भी नहीं देखना आपको इसके अलावा, सिर्फ कैंडल कैटेगरी और आपका ट्रेड बस। ये आपका कुछ नहीं है, ये देखिए ये ट्रेड आया हमारा, ये आपका हाई देखिए कितना, 380 380 प्लस 40
478, देखिए पॉइंट गिनिए, 380, 380, इसका हाई देखिए 380, 380 प्लस 80, 460, 460, 478 हाई देखिए इस कैंडल का, मैं लाइन भी लगा देता हूँ आपके लिए, 460, 23460, 23460 हमारा टारगेट डन। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हुआ है एक, इसके बाद चलते हैं हम, ये देखिए इसमें आप बोल सकते हैं कि ट्रेड करना चाहिए हमें, लेकिन इसकी कैंडल कैटेगरी देखिए, ऊपर भी पूंछ नीचे भी पूंछ, पूंछ भी थोड़ी बहुत चल जाती है, टेल हम बहुत साइड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी होनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी पूंछ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला आपको बॉडी ऑलमोस्ट 80% प्लस होनी चाहिए, जो इसमें है नहीं है। इसकी देखिए आप बॉडी 20% का ऊपर का पोर्शन, 15% या 65-70% की बॉडी, अराउंड 80% नहीं है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया लेकिन बकवास कैंडल के साथ, इस पे हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया लेकिन बकवास कैंडल के साथ, इस पे हम ट्रेड नहीं करते। कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फर्स्ट कैंडल का ही ब्रेकआउट चाहिए हमें, फर्स्ट कैंडल से ही ब्रेकआउट चाहिए। दिन में कभी भी ब्रेकआउट देगा वो नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इस डे पे, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन हमें चाहिए ही नहीं है। ये देखिए इधर आया ब्रेकआउट, इधर ये हाई टू क्लोज है तो हम ले सकते हैं। इसका हाई देखिए क्या है, हाई टू क्लोज हम कैसे बोलते हैं, अभी बफर जितना ही अगर डिफरेंस रहेगा ऊपर पूंछ में, तो उसे हम पूंछ कंसिडर नहीं करते, टेल को कंसिडर नहीं करते। मतलब 3 से 4 पॉइंट की पूंछ रहेगी तो हम उसे टेल कंसिडर नहीं करते, वो ओपन हाई टू क्लोज ही बन जाती है कैंडल ट्रेडिंग में हमें, क्योंकि अभी एक दो बायर सेलर की वजह से हम पूरी कैंडल का, पूरे दिन का मोमेंटम खराब नहीं मान सकते। हम आगे जाते हैं, हाई देखिए क्या है इसका, 4185, 4185 के ऊपर करते हैं 4 पॉइंट, 4185 प्लस मीन्स 841 प्लस 80 पॉइंट, 921, देखते हैं हमें टारगेट आया कि नहीं, 921, 24921, ये लीजिए टारगेट डन हमारा। ये अकेली ऐसी स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी में जो आपको इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ चलती है, बाकी अगर आप इसे ऊपर दिखा सकते हो तो मुझे खुशी होगी, बट मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है इस टाइम पे, तो मुझे अभी तक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली इसके जैसी। ये हमारे फ्री कोर्स में भी थी, फ्री कोर्स जो हम दे रहे थे बैंक निफ्टी का उसमें भी थी ये। अगर आपको इस पे कोई भी इशू रहेगा तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बैक टेस्टिंग के लिए आप में अगला बैक टेस्ट हम करेंगे जितना भी रहेगा आपका। अभी हमारा 8 अगस्त तक हो चुका है, हमारे अराउंड 5 6 ट्रेड आए अराउंड, तो 6 ट्रेड में हमारा एक स्टॉप लॉस रहा, बाकी हमारा 5 टारगेट रहे, तो उसके हिसाब से हमारा 400 पॉइंट, 480 × 4, जस्ट होल्ड ऑन, हम एक निकाल लेते हैं ज़रा एक्सेल, एक बनाने के लिए एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हमने देखे कि हमारे पास 6 ट्रेड आए, इसमें से एक एसएल और 5 टारगेट, 5 टारगेट, तो 5 टारगेट में हमें मिला 80 × 5 और इसमें गया हमारा 20। हमने कहाँ तक बैक टेस्टिंग की है, ये 3 3 अगस्त तक, 3 अगस्त तक हमने बैक टेस्टिंग की है। तो हमारे जो टोटल पॉइंट्स बने इक्वल टू 400 − 20, 380 डिवाइड बाय इनटू सॉरी इनटू 40, मींस जो हमारा पर मंथ का आपका वो आ रहा है
ये अराउंड अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, 5 महीने का, तो आपका 3,000 का मंथ है टोटल, 3,000 पर मंथ। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अगर आपको ज़्यादा है, आप सिंगल लॉट से पहले काम कीजिए इस पे, बाकी आप जितना इस पे कंफर्टेबल रहेंगे उतना आपको सही रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निल रह जाता है। अभी आपको 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कोई बाय करवाता है बैंक निफ्टी में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज़, आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। आओ, ये हमारा फेसबुक लिंक है, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, निफ्टी टेक्निकल डॉट इन पे, तो आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट रह सकते हैं। वहाँ पे आप हमारी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, हम वीकली परफॉर्मेंस इधर डालते हैं, तो वीकली परफॉर्मेंस में जाकर आप जाके आप दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे एक रिव्यू डालना, जब भी आप एक स्ट्रेटजी देख लेंगे तो प्लीज़ आप हमें रिव्यू कर सकते हैं हमारे पेज को। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं पोस्टर, यहाँ पे मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, चलिए, तो आप वहाँ पे जाके हमें लाइक कर सकते हैं। नीचे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड जल्दी करेंगे, उसमें हम बैक टेस्टिंग करेंगे, साथ में एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, दोनों चीज़ें हम देखेंगे उसमें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।